हे फ्रेंड्स हाय वेलकम टू योर चैनल बिना स्टडीज़ फर्स्ट तो सॉरी और सेकंड थैंक यू सॉरी इसलिए क्योंकि मैं बीच में बहुत गायब हो जाती हूँ uh, थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू रहता है और कभी कभी चूँकि मैं पी एच डी के स्टूडेंट हूँ तो कभी कभी मेरे पास काम ज़्यादा होता है तो मैं टाइम नहीं दे पाती बट थैंक यू सो मच आप लोग कमाल के सब्सक्राइबर हैं आपको मेरी फिक्र भी है और आप लोग मुझे छोड़ के कभी भी नहीं भागते बट अब से मैं आपका वीडियो कंटिन्यू करूंगी बिकॉज मैं ठीक हूँ काफ़ी हद तक ठीक हूँ तो आ, आ, मतलब इसके पहले कि मैं आपका वीडियो कंटिन्यू करूं मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ कुछ लोग कुछ लोग मुझे बार बार एक सवाल पूछते हैं मतलब बहुत बार ये सवाल पूछ चुके हैं कि अगर मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ या मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं इंडियन कल्चर में यूजीसी नेट दे सकता हूँ और यू यू नेट की डेट भी बढ़ गई है थर्टी फर्स्ट में हो गई है ना तो अगर आपको ऐसा लग, आ, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडियन कल्चर में देना है और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो डेफ़िनेटली आप दे सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इंडियन कल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री ठीक है तो आप दे सकते हैं इनफैक्ट अगर आप आर के स्टूडेंट हैं और आप इंडियन कल्चर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप हिस्ट्री में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मतलब बेसिकली जो मेरा मास्टर रहा है या जो मेरा पीएचडी है वो एंशेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में है लेकिन मेरे पास नेट आर्कियोलॉजी में भी है और हिस्ट्री में भी है क्योंकि मुझे लगा क्योंकि हिस्ट्री से जो स्कोप है वो बढ़ जाते हैं और आर्कियोलॉजी और जो कल्चर है उसके स्कोप थोड़े कम हो जाते हैं इसलिए मैंने जो है हिस्ट्री में भी एग्ज़ाम दिया था तो आपको आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हो या अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आपको लगता है आपको इंडियन कल्चर में जाना है तो आप डेफिनेटली यूजीसी नेट दे सकते हो बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि विच वन इज़ अ बेनिफिशियल तो मैं आपको यही बोलूंगी कि देखिए क्या होता है ना कि इंडियन कल्चर्स के जो पोस्टे है, पोस्ट है ना वो बहुत कम निकलते हैं मतलब रेयर ऑफ रेयर कॉलेज में आपको पता चलेगा कि इंडियन कल्चर से कोई वैकेंसी आ रखी है इनफैक्ट आर्कियोलॉजी की वैकेंसीज भी बहुत कम है अगर आप देखोगे तो देखोगे हिस्ट्री में बहुत सारे आ, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं ठीक तो है और अगर उससे कंपेरिजन करें तो आर्क्योलॉजी में कम वैकेंसी निकलती हैं और वैसे भी एक चीज़ और है कि जित हिस्ट्री आपको इंडिया के हर कॉलेज में मिलेगा ठीक है मतलब जो भी आर्ट्स स्ट्रीम को रखते हैं वो हिस्ट्री रखेंगे लेकिन ये जरूरी नहीं जो आर्ट स्ट्रीम को रखते हैं वो आर्क्योलॉजी को भी रखे और वो इंडियन कल्चर को भी रखे तो थोड़ा सा जो है ना वो आपको चांसेस आपके कम हो जाते हैं चांसेस आपको कम मिलते हैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप हिस्ट्री में एग्जाम दे सकते हो तो दो और अदरवाइज आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा इंडियन कल्चर में है तो आप इंडियन कल्चर में भी एग्जाम दे लो एक बार को उसमें भी क्वालिफाई कर लो फिर हिस्ट्री में भी डेफिनेटली देना आप लोग बिकॉज हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको थोड़े ज़्यादा फायदे मिलते हैं लेकिन अगर आप आर्क्योलॉजी के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट पहला आपको पहले आपको आर्क्योलॉजी में नेट क्लियर करना चाहिए आ, मतलब फ़ायदा आपको हिस्ट्री में ही है डेफिनेटली लेकिन आपको आर्क्योलॉजी में इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप पीएचडी उससे आपकी पीएचडी चल रही है या आपने मास्टर आर्कियोलॉजी में करा है तो क्योंकि सम टाइम पे क्या होता है ना बहुत सारे कॉलेज जब पोस्ट निकालते हैं तो वो हिस्ट्री में सिर्फ मिडेवल और मॉडर्न को काउंट करते हैं और वो एंजेंट को किनारे कर देते हैं और वो साफ साफ लिखते हैं कि केवल मतलब मॉडर्न और मिडेबल वाले ही अप्लाई करें तो फिर वहाँ पे जो आर्कियोलॉजी वाले हैं या जो एंशंट हिस्ट्री वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो पहला अगर आप आर्कियोलॉजी के हो तो आप पहला एग्जाम क्वालिफाई करो आर्कियोलॉजी में एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो डजन मैटर वो जे आर एफ है कि वो नेट है बस आप क्वालीफाई कर लो ठीक है क्योंकि जे आर एफ में आपको फेलोशिप मिलती है लेकिन अगर आप नेट होते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए ठीक है उसके बाद आपको कल्चर में देना है आप हिस्ट्री में देना है जिसमें भी देना है उसमें दो तो मेरे कहने का मतलब है अगर बेनिफिट के हिसाब से देखेंगे तो हिस्ट्री इज मोर बेनिफिशियल और अगर लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी आपका मास्टर जिस भी सब्जेक्ट से है आप प्लीज नेट उसमें दीजिए ये आपके लिए आगे चल के ज्यादा काम करेगा और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या अगर वो हिस्ट्री से है या वो Uh, तो क्या वो इंडियन कल्चर में काम कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं थोड़ा सा कभी कभी ना ये गाइड के ऊपर भी डिपेंड uh, करता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है uh, जहाँ पे मैं पी कर रही हूँ अब मैं ये तो नहीं बता रही कहाँ से कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेस uh, प्राइवेसी कंसर्न्स लेकिन uh, जहाँ से मैं पी कर रही हूँ बहुत सारे सब सा, मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री uh, के बैकग्राउंड से हैं ठीक है थीके? लेकिन uh, मेरे गाइड ने उनको उन आ, मतलब उनसे पूछा कि वो किस में काम करना चाहते हैं वेंशन में जाना चाहते हैं वो मिडेवल में जाना चाहते हैं तो समाइम आपके कॉलेज का और आपके यूनिवर्सिटी का और आपके गाइड का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अगर आप मिडेवल बैकग्राउंड से आते हो तो वो आपको मिडेवल में ही काम कराएगा और समटाइम वो लिबरल होता है कि नहीं ठीक है तुम जिसमें करना चाहते हो कर सकते हो अगर तुम इंडियन कल्चर में करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मास्टर रहा है वो मेरा जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से लेकिन जब मैंने पीएचडी करी तो मैंने पीएचडी कल्चरल टूरिज्म पे मैं पीएचडी कर रही हूँ ठीक है तो मतलब मेरा पीएचडी का जो आ, मतलब जो बेस है वो कल्चर्स पे आ जाता है और मैं कल मतलब मैं कल्चर टूरिज्म में आ गई और ये थोड़ा सा अलग हो जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से और आर्कियोलॉजी से डेफिनेटली उसमें हम कुछ साइट्स इंक्लूड करेंगे बट काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंट है उससे तो ऐसे आपके गाइड पे ये डिपेंड करता है ठीक है लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत सारे गाइड यही प्रिफर करते हैं कि अगर आप आपने मास्टर एंश में करा है या मिडिवल में करा है या आपने हिस्ट्री सॉरी या मॉडर्न में करा है तो वो आपको बोलेंगे कि आप सेम uh, उसी टॉपिक से आगे चल के पेज में कंटिन्यू करो ताकि आपके लिए इजी हो क्योंकि अगर आप मॉडर्न से हो तो आपको मॉडर्न समझने में ज़्यादा आसानी होती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप करना काम करोगे तो आप कर ही लोगे लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप हिस्ट्री से हो और आप कल्चर में काम करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी मतलब बुरी और बड़ी बात नहीं है ये डेफिनेटली आपका गाइड जो है वो अग्री करेगा तो उस, आ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आप सभी को जो भी आपके क्वारीज़ रहेंगे या क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर मिल गया होगा क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उतना टाइप कर उतना टाइप करके समझाना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज मैं जो बोलूँगी एग्जैक्ट आपको पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा तो आपसे मैं आपकी जो आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है लूँगी और उस पर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी ठीक है एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो देखिए सेल नंबर देना तो पॉसिबल नहीं है देखिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपनी मेल आईडी दे रखी है एक बार मैं फिर बोल देती हूँ मेरी मेल आईडी है बार बी ए आर बी आई ई डॉट ट्वेंटी एट एपी आर एट द रेट ऑफ जेमेल डॉट कॉम आप मुझे मैसेज कर सकते हो मैं आपको पर्सनली आंसर कर दूंगी तो पढ़िए ये लॉकडाउन का टाइम है और बिल्कुल घूमने मत जाइए बाहर मत निकलिए ठीक है सेफ रहिए हेल्दी रहिए सी यू दे बाय